व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वैसे यार आप सबको टाइटल थंबनेल देख के ऑलरेडी आप सबको तो पता ही है कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए लहंगा हॉल फ्रॉम मीशो। और जो आज की प्राइस रेंज होने वाली है ना, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने जो प्राइस रेंज सेलेक्ट की है वो जस्ट 326 रुपीज़ से लेके 1400 रुपीज़ तक, इसी बीच के सारे लहंगे होने वाले हैं। और मैंने अराउंड सारे मैं पिक करके ले आई हूँ मीशो से, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलेक्शन होने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप सबको 100% ये लहंगे पसंद आने वाले हैं, मैं इसका दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। जब मुझे दिख रहे थे तो मेरे को यकीन नहीं था, अभी मैं एक दो की अनबॉक्सिंग की हूँ तो आई वॉज लाइक शॉक, ये इतने सुंदर मुझे मीशो से मिल गया। चलो आप सबको मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाती हूँ, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पैम फेवरेट है मेरा, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से ये मिस हो, इसलिए मैं इसको सबसे पहले दिखा रही हूँ, और आप जल्दी से जाके इसको बाय कर ले, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, इतना सुंदर है तो ये ज़रूर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देती हूँ। ये मुझे इसने मुझे कॉस्ट किया था 1526 रुपीज़, और इसमें आपको मिल जाता है 3 कलर्स, तो आपको जो भी कलर ले रहा हूँ आप लेना। मैंने लेमन ग्रीन कलर लिया, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला कलर। और इसका जो फैब्रिक आपको मिलता है, इसमें फैब्रिक मिलता है चंदेरी सिल्क का, और इसके रिव्यूज़ यार इतने अच्छे थे, बहुत ही सही रिव्यू थे, इसलिए मैंने ये वाला सारी चीज़ें देख परख के ऑर्डर किया है। फैब्रिक मिल जाता है ये वाला फैब्रिक, मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा है, और बहुत ही सही फैब्रिक है ये, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, और इसका ब्लाउज आप इजीली स्टिच करवा सकते हो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप ये लहंगा लेते हो तो एकदम प्लेन सब उसका ब्लाउज स्टिच करवाना, लाइक इतने से स्लीव या कैसे भी, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और सही फैब्रिक है, इसमें आपको लाइनिंग नहीं मिलती ब्लाउज के फैब्रिक के लिए। बाकी इसके अलावा इसमें सबसे पहले उसके अलावा इसमें ये पूरा कटवर्क के साथ में ये दुपट्टे की डिज़ाइनिंग है, लास्ट में ऐसा आपको ये लेस थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है और कटवर्क है, और सेम फैब्रिक आपको दुपट्टे में मिल जाता है। दुपट्टे की लेंथ विड्थ की मैं बात करूँ बहुत अच्छी है, मतलब पूरा फुल साइज़ का आपको दुपट्टा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब लहंगे का दुपट्टा होता है ना वैसा। 1500 रुपीज़ पे किया है, बट वर्थ है 1500 रुपीज़। अब आपको मैं दिखाती हूँ उसका लहंगा, जस्ट अ सेकेंड। इट इज़ सबसे पहली बात तो ये स्टिच्ड आता है, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो 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 ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो आप इसका ये वाला डिज़ाइन देखो, ये वाला पूरा, ये पूरा बड़ा सा फ्लावर इसका, ये पूरा एक अलग ही लुक दे रहा है इस वाले लहंगे को। ऑल दो इस लहंगे में आपको लाइनिंग वगैरह प्रॉपर मिलती है, एक आपको ये लाइनिंग मिलती है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ऐसा सा है कुछ ये, और ये रही इसकी लाइनिंग, और नीचे बकरम जैसा फैब्रिक भी मिल जाता है, स्टिच्ड आते हैं। और इसका फ्लेयर देखो, आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, मैं अभी ट्राई ऑन करके दिखा दूंगी इस वाले को। फ्लेयर देखो, बहुत ही बड़ा फ्लेयर के साथ में आता है ये लहंगा, और सबसे सुंदर तो ये डिज़ाइन है यार, पूरा इतना प्यारा सा फ्लावर बनाया गया है। और अगर मैं बात करूँ ना, इसमें आपको कैन नहीं मिलती, बट इसका फ्लेयर ही इतना ज़्यादा, क्योंकि चंदेरी सिल्क मटेरियल है तो ये वैसे ही रफ होने वाला, तो बहुत ही अच्छा सा घेरा देने वाला है। आई जस्ट लव दिस वन यार, आप लोगों को पसंद आ रहा है जल्दी से लेना। चलो हम जल्दी पहले इसका ट्राई ऑन कर लेते हैं। ओ माई गॉड, सच अ डिज़ाइनर पीस, इतना सुंदर लगेगा पहनने के बाद ये, मैंने इतना तो नहीं सोचा था, बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है, आप इसको खुद देखो, इतना हैवी फ्लेयर है इसका जो पूरा ये फ्लावर, ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ये डिज़ाइनर सा आउटफिट लग रहा है, किसी एंगल से कम में नहीं है, प्राइस जितना है वर्थ है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस 2000 के ऊपर जाना चाहिए था, मतलब ये इतनी अच्छी क्वालिटी में है, उस हिसाब से अगर मैं इसको जज करूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा, सीरियसली जस्ट लव दिस वन, हाईली रिकमेंडेड है, जल्दी से जाके बाय कर लेने से पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो, ये चीज़ें ऐसी मिलती नहीं है इजीली, और इस बार तो मैं मीशो की दीवानी हूँ, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं, दिल कर रहा है बस इसमें अब डांस करना शुरू कर दूँ, खुद ही फ्लॉन्ट करने लग जाऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लव दिस वन। नेक्स्ट वाला अगेन एक धमाकेदार लहंगा है, आप इसको इमेज में देखो, और मैं आपको इसकी डिटेल्स देती हूँ। तो इसकी प्राइस है 1415 रुपीज़ जो मुझे मिली है, डिज़ाइनर लहंगा है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जॉर्जेट का फैब्रिक इसमें आपको मिल जाता है, और माइक्रो सिल्क का भी फैब्रिक मिल जाता है, आई थिंक इसके ब्लाउज का फैब्रिक आपको माइक्रो सिल्क मिल जाता होगा, इसे पूरे आपको स्लाइव एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, 2 पट्टा है, मतलब कैनवास पट्टा लगा हुआ है इसके लहंगे में, और इसके भी रिव्यूज़ तो मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, आई थॉट येलो यार मैं ही रिस्क लेके ऑर्डर कर लेती हूँ, मैं आपको अभी दिखाई दूंगी। सबसे पहले आप इसका दुपट्टा देख लो, ऐसा आपको वर्क मिल जाता है दुपट्टे में, जरी का गोल्डन और छोटी छोटी सी बूटियाँ, नेट की फैब्रिक है यहाँ पे, इसका दुपट्टा भी एकदम फुल साइज़ का है, बिल्कुल भी कहीं से भी छोटा नहीं होने वाला, अगर आप न्यूली वेड हो या फिर अगर आप मेरे जैसे हो, आप भी ये वाला लहंगा बहुत ईजी ले सकते हो, ये वाला कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे दुपट्टा का। चलो मैं आपको आगे बढ़ के इसकी बाकी चीज़ें दिखाती हूँ।
दिस इज द ब्यूटिफुल लहंगा यू गाइज, यार देखते ही रह जाओगे, इतना सुंदर है ये लहंगा। सबसे पहला तो इसका वर्क देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, कितना प्यारा ये पट्टा इसमें लगा हुआ है जो बताया गया था इसके डिटेल्स में। और ये इतनी सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है इसमें, ये जरी की गोल्डन कलर की बूटियाँ छोटी छोटी से, पूरे नीचे पे आपको ये पूरा बॉर्डर हैवी मिल जाता है। ऑल्सो इसमें आपको मिल जाती है कैन कैन, पूरा आपको तीन चार लेयर्स मिलते हैं ये बकरम की, ये कैन कैन की, इसकी वजह से इसका फॉल बहुत अच्छे आने वाला है। और इसमें आपको ब्लाउज का फैब्रिक इनसाइड ऐसे अटैच्ड मिल जाता है जिसमें आपको पूरी डिटेल वगैरह, पूरी इसकी डिजाइनिंग वगैरह बनी हुई है, बहुत ही अच्छे से आप इसको स्टिच करवा सकते हो। मस्ट वाय लहंगा है ये वाला, और ग्रीन वाला अभी तक तो मेरा फेवरेट है इस वाले पूरे हॉल के। और बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतने सुंदर लहंगे मिल जाएंगे मीशो से, क्योंकि लास्ट टाइम इतने सुंदर मिले नहीं थे। बहुत ही प्यारा वर्क है यार, ये बिल्कुल डिजाइनर लहंगा लग रहा है, जॉर्जेट के मटेरियल में आता है, बहुत ही सुंदर। जस्ट लव दिस वन, आप लोग एक्साइटेड हो कि मैं इसको पहनूं कमर पे, बहुत ही खूबसूरत बैग मिल जाए। चलो मैं ट्राई ऑन करके दिखाई देती हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, लहंगे के लिए ये इतना सुंदर है, इसका प्राइस ना अंडर 2000 के अंडर आपको इतना प्यारा लहंगा मीशो से मिल जाता है यार। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना ज़्यादा सुंदर आएगा, आराम से मार्केट में सुंदर है यार, फटाफट से जाके ले लो यार, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, बहुत लव दिस लहंगा, कोई भी कमी नहीं है यार, वर्ड्स नहीं है इवन मेरे पास। स्कर्ट के साथ में पहनोगे क्या मस्त लुक आएगा यार, कितना फ्लेयर, सीरियसली जस्ट लव दिस वन, मुझे हर एंगल से बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मुझे लालच आ रहा है, ये लहंगा इतना सुंदर मुझे मिल गया और मैंने मार्केट से इतने महंगे महंगे खरीदे हैं यार, काश पहले ही पता चल गया होता कि इतनी क्वालिटी। सस्ते सस्ते से भी लहंगे मैंने मंगवाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे हैं, मैंने आपको पहले प्राइस रेंज बता दिया। आप इस वाले लहंगे को इमेज में देखो, ये जस्ट मुझे 349 रुपीज़ में मिल गया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसा आएगा, इतना सस्ता सस्ता लहंगा मुझे इस बार दिख रहा था मीशो पे, तो मैंने सारे उठा लाए कि मतलब मेरे को आपको दिखाना ही है। और इसका जो फैब्रिक आपको मिल जाता है सैटिन का फैब्रिक मिल जाता है, लहंगा नेट का है, रिव्यूज़ इसमें इतने सारे थे ना, बहुत अच्छे खासे रिव्यूज़ थे, इतने सस्ते में इतने अच्छे रिव्यू थे, देखने में भी बहुत सुंदर लग, लोगों ने इतने अच्छे तरीके से स्टाइल किया, तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ वो लहंगा। और सबसे पहला तो ये दुपट्टा इसका है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इतना छोटा भी नहीं है, 349 रुपीज़ के हिसाब से मैं कहूँगी बहुत सही लहंगा का दुपट्टा दिया गया है। ये आपको मिल जाता है इसमें ब्लाउज का फैब्रिक, ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए, और ये वही रेशे वाला फैब्रिक है, तो आप वैसे निकल तो नहीं रहा इतना ज़्यादा, तो आप देख लेना वो चीज़। और बहुत ठीक ठाक लेंथ का मिल जाता है इसमें, ये रहा ये लहंगा। इसमें ऑल दो आपको सिर्फ एक बहुत ही पतली सी ऐसी लाइनिंग मिलेगी, बट अभी हम बात ये नहीं करेंगे इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं, हम बात करेंगे प्राइस रेंज की। 350 रुपये में ये लहंगा मिलता है यार, आप उसके लिए डेफिनेटली ये परचेज कर सकते हो, या फिर बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन है या फिर कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए लहंगा की ज़रूरत है, तो ये वाला बेस्ट है यार 349 रुपीज़ में। तो ऐसी सितारे मिल जाते हैं ये बड़े बड़े से, और कलर भी इसका मुझे प्यारा लग रहा है, लाइट ग्रीन कलर का। सो मेरी गाइस ऐसा लुक लग रहा है ये वाले लहंगे का। अब मैं अगर इसको रेट करूँगा अगर ना, तो दो ओपिनियंस है मेरे। पहला तो अगर मैं बोलूँगी कि अगर मैं अपने लिए अगर मुझे ये लेना होता तो मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती, बट अगर आपको अपनी बेटी के लिए लेना है या फिर किसी ऐसे के लिए जिसको एक बार बस ये लहंगा आप ट्राई करना है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यार ये आई थिंक 300 रुपये का था, 300 रुपये के हिसाब से क्या मिलेगा, 300 रुपये में एक ब्लाउज नहीं आती ढंग की और आपको पूरा फिर लहंगा मिल रहा है, तो फिर कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मीशो में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, मैं ज़्यादा उसकी बिना मतलब की बुराई नहीं करूँगी, मुझे जो चीज़ सही लग रही थी मैं उसको सही ही बोलूँगी, तो मुझे इस वाले लहंगे में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही 300 रुपये के अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं इसको अपने हिसाब से देखूँ ना, तो मैं इसको फिर नहीं लगती, मैं मतलब मैं इसको नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शन है तो मैं उनमें जाती। तो मैंने आपको दोनों तरीके के अपने थॉट्स बता दिए, तो आपको जैसा लगेगा तो आप ले लेना। अगर मैं बात करूँ उसके कलर वगैरह की, मुझे सही लग रहा है, इसकी जो क्वालिटी है ये भी मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इसका फैल रहा है, बट ये वाला उतना फैल नहीं रहा। मैंने आपको जो दूसरा देखा था वो ज़्यादा सा इसका फैब्रिक जो है तो वैसे स्टिच हो रहा था, तो बाकी मुझे सही लग रहा है। कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका जो सितारे हैं वो भी सही लग रहा है, तो ये बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा चीप सा नहीं लग रहा है, देख सकते हैं। बार बार खुद से ही रिव्यू कर दे रही हूँ, ऑल्दो मैं आपको ये सारे ट्राई ऑन दिखा रही हूँ, बट मैं पहले से रिव्यू इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि यार ये लहंगे ये स्टिच होने के बाद ही पता चलेगा। लहंगा मैंने जो मंगवाया है 526 रुपए का है, ये वाला लहंगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इस वाले का। आप इसको इमेज में देखो, इस तरह के लहंगे बहुत चल रहे हैं, इस तरह का मेरे पास ऐसा ही लगभग मतलब सिमिलर से इसका प्रिंट है मेरे पास, ब्लैक कलर का है जो मैंने लिया था अपनी सिस्टर की वेडिंग में, और वो मैंने लिया था 4000 रुपीज़ का, और थोड़ा सिमिलरली इसका मिल गया है। तो पहले तो ये दुपट्टा आप देख लो, सेम आपको जरी का वर्क मिल जाता है गोल्डन कलर की, और इसकी हम लेंथ विड्थ चेक कर लेंगे, नेट का ही दुपट्टा है, ठीक है लेंथ इसकी भी मुझे सही लग रही है, विड्थ भी सही लग रही है। उसके बाद ये रहा इसका लहंगा, उसमें जिसमें सबसे पहले आपको ये ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है, नेट का ही है इधर भी, और यहाँ पे वर्क वगैरह है तो आप इसमें लाइनिंग वगैरह लगा के और स्टिच करवा सकते हो। और ये रहा लहंगा,
बहुत ही सही रिव्यू थे और मुझे अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से उसका रिव्यू था। और गिंजा का मटेरियल है सो थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट सा लग रहा है, चिकना सा लग रहा है और बहुत ही मतलब सही फैब्रिक है, चीप नहीं लग रहा मुझे। और इसमें आई थिंक फ्लेयर वगैरह भी बहुत सही आने वाला है। ऐसे नीचे से आप देख लो, नीचे पे ऐसे आपको ये वाली थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मिल जाती है ऐसे से वाली, और कलर भी सही लग रहा है मुझे ग्रीन के साथ में ये थोड़े से येलो वगैरह का टेक्सचर। ओवरऑल मुझे 526 के हिसाब से सही लग रहा है लहंगा ये। चलो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। गाइज ऐसा लग रहा है ये वाला लहंगा और प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से थम्स अप है, क्योंकि आप इसका लुक देखो, इसका ना फ्लेयर वगैरह, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का मटेरियल है तो इसका फ्लेयर वगैरह भी ठीक ठाक ही है और थोड़ा कहीं से भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बस मुझे एक चीज़ लग रही है, आपको पता नहीं वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लाइक ये वाला थोड़ा सा मुझे एंगल ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊंचा सा लग रहा है इसके नीचे का पूरा शेप। ऑल्दो जो ये वाला पैटर्न होता है, इस टाइप वाला जो पैटर्न होता है ना, ये बराबर नहीं आता कभी भी। मैंने अनारकली वगैरह में भी देखा है और मैंने इसमें भी देखा है। सो चलो उस चीज़ को अगर अपन इग्नोर कर देते हैं, अगर उस चीज़ को मतलब नीचे का पूरा शेप बस इसका थोड़ा सा बराबर नहीं लग रहा मुझे, इधर का कम लग रहा है इधर का ज़्यादा लग रहा है, पहना तो मैंने ठीक से ही है, अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दे तो। और मुझे इस वाले लहंगे में कोई कमी नहीं लग रही है, इसका कलर वगैरह भी मुझे सही लग रहा है। अगर आपको ऐसे किसी की शादी में जाना है, ज़्यादा आपका बजट नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है चीज़ों में, तो आप ये वाले लहंगे को कंसिडर कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। और क्योंकि ये सेमेस्टर बस आपको स्टिच करवाना है, अगर आप ब्लाउज को स्टिच करवाना चाहते हो ब्लाउज को स्टिच करवा लो, अगर नहीं करवाना चाहते तो आप किसी भी तरीके की मतलब ब्लाउज के साथ में पैरा कलर जिसके साथ मैच कर जाए वैसे स्टिच करवाओ के ज्यादा सही लुक आएगा। हमारे नेक्स्ट वाले लहंगे को देखो, इसकी भी प्राइस है 570 रुपीज ओनली और इसमें भी ये भी येलो कलर का लहंगा था, नेट का था, इसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे थे तो इसीलिए मैंने भी चेक किया कि मैं देखती हूँ कितना अच्छा है ये वाला। सेमी स्टिच आता है ये वाला भी, अभी उसको अनबॉक्स ही नहीं किया। ऐसे ना हल्दी वल्दी के लिए इतने सस्ते से लहंगे, जिस किसी को मतलब इतना नहीं बजट लगाना अपने हल्दी में, इस टाइप के लहंगे बहुत सही है, आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो ऐसा सा है, इमेज में देखने तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। दुपट्टा, दुपट्टे में कंजूसी थोड़ी कर दी गई है इसको। सबसे पहले तो इसमें आपको ऐसा ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है और इसकी नेट की क्वालिटी मुझे उतनी सही नहीं लग रही जितना मुझे मतलब, ये सॉफ्ट सा नेट नहीं है, ये आपको ब्लाउज का फैब्रिक ये छोटा नहीं लग रहा, आई थिंक सिलने के बाद नहीं होगा, पर ये ना फैलने वाला सा इसका कपड़ा है। नेट की जो क्वालिटी है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और इसकी एम्ब्रॉयडरी का मुझे सही लग रही है, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह ये सही लग रही है तो आप स्टिच करवा सकते हो ये वाला। बाकी हम इसका लहंगा देखेंगे 526 रुपीज़ के सब। ओके दुपट्टे नहीं कंजूसी की गई, मेरे कैसे थे, मेरे को ऐसा लगा कि दुपट्टे में कंजूसी कर दी गई है, पर कंजूसी नहीं है, ठीक लेंथ है इसके दुपट्टे की, फुल साइज़ का दुपट्टा मिलता है। ये रहा वो लहंगा और इस वाले लहंगे का फ्लेयर वगैरह तो मुझे लग रहा है कि सही आएगा। इसमें आपको ये एक और लाइनिंग मिल जाती है इनसाइड, आई थिंक वो जो नेट का फैब्रिक मिला है ब्लाउज के लिए, तो ये उसके इनसाइड लाइनिंग लगने के लिए, तो बहुत सही चीज़ है अगर ये भी दे दिया। सबसे पहले इसकी एम्ब्रॉयडरी देख लो आप, आपको थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और थोड़ा ये सिल्वर कलर की जरी लगी हुई है इसमें, ग्रीन रेड एंड बेबी पिंक कलर। फ्लेयर वगैरह तो लहंगे का मुझे सही लग रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग। नीचे का ये पूरा इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी मुझे सही लग रही है, आप ये देख लो कुछ सही लग रही है, पर मैं उसके फैब्रिक से उतना ज़्यादा खुश नहीं हो रही हूँ अभी। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ उसका लुक वगैरह कैसा आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस भी नहीं है तो अगर इसका फैब्रिक मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं है तो अगर इसका पहनने के बाद लुक सही आता है तो मैं इसको भी थम्स अप कर दूंगी। चलो अब हम इसका ट्राई ऑन देख लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस। वाओ सही लग रहा है यार मुझे ये वाला लहंगा, लहंगा सही लग रहा है यार, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले अगर तो मैं बात बता दूं ना, इसमें जो फ्लेयर है अगर आप इसको कैनकैन स्कर्ट के साथ में पहनोगे इनसाइड, आपको बस आप एक कैनकैन स्कर्ट ले लो क्योंकि अभी शादी वाला भी सीजन आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी किसी भी लहंगे का। आपको फ्लेयर बढ़ाना है तो आप कैनकैन स्कर्ट के साथ में इसको भी अगर पहन लोगे ना, क्या मस्त इसका फ्लेयर बनेगा। मुझे सही लग रहा है ये लहंगा यार बिल्कुल, जिसकी मतलब जो ब्राइड है, जो ब्राइड्स हैं वो हल्दी के लिए ब्राइडमेड्स, बहुत सही है। शादी में भी आप इसको इवन पहन सकते हो और कलर ऑप्शन होंगे और होंगे तो आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने ये वाला किया कि मतलब हल्दी वल्दी के लिए ब्राइड्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। मुझे इस वाले लहंगे में कोई कमी नहीं लग रही है, मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पसंद आया है। दूसरी चीज अगर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँ, मैं कैनकैन स्कर्ट का भी लिंक दे दूंगी मीशो से ही, तो आप जरूर ट्राई कर लेना, कैनकैन स्कर्ट बहुत ज्यादा काम में आएगी आप सबके और बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा मैं ये जो क्रॉप टॉप वेयर करके आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इनकी भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इनको भी आप। नेक्स्ट वाला लहंगा, उससे पहले आप इसको इमेज में देखो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पिक्चरों में देखने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इसकी प्राइस थी 670 रुपीज और इसका जो नाम है चित्ररेखा सेंसेशन विमेन लहंगा, चित्ररेखा सेंसेशन विमेन लहंगा, और 700 रुपीज़ के अंडर था। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वाइट कलर का था स्पेशली, मुझे वाइट कलर के लहंगे बहुत पसंद आते हैं और ये तो इतना सुंदर दिख रहा था सो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कैसा ही लगेगा। चलो हम जल्दी से देखते हैं इसको। ओके इतनी सी पैकेजिंग भी ऐसे रिसीव हुआ है। सबसे पहले तो इसका मैं आपको ये दुपट्टा दिखा देती हूँ,
यस, ये रहा इसका दुपट्टा, और इसका ना कलर जो है ना क्रीम कलर का, ये व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर का इसका कलर है, मतलब प्योर जो व्हाइट होता है ना, ये वो प्योर व्हाइट कलर नहीं है। दुपट्टे में भी आपको ऐसा वर्क मिल जाता है, इसके साइड में पूरा ये थ्रेड का वर्क है, मतलब पूरी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है बेसिकली इसमें आपको, और बहुत ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा नहीं है इसका, ठीक है बट सही है और चल जाएगा मतलब। और ये रहा इसका लहंगा। अब यार जितना सुंदर मुझे इमेज में लग रहा था, अभी तो मुझे उतना सुंदर नहीं लग रहा, ये कैमरे में इतना अच्छा कलर आ नहीं रहा, इसका जो एग्जैक्ट कलर है वो आ नहीं रहा, अभी शायद आए पास से दिखाऊं तो। क्रीम कलर का है ये वाला लहंगा, पूरे में ही आपको थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, नेट की फैब्रिक सही लग रही है हो गया, और इनसाइड आपको जो लाइनिंग प्रोवाइडेड है वो बहुत ही गंदी क्वालिटी की लाइनिंग है, मतलब ये लाइनिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, ये वैसी ही है जिसकी मतलब रेशे वगैरह निकल जाते हैं। ओके, ये रहा इसके ब्लाउज का फैब्रिक अंदर, आजकल ना ये नया ट्रेंड निकाला है लहंगे के अंदर देते हैं ब्लाउज का फैब्रिक, वैसे सही भी स्टिच रहता है ना तो घूमता भी नहीं है, ऐसा सा है, पूरी डिटेलिंग डिजाइनिंग बनी हुई है, ऐसा होता ही है लहंगे में। मुझे फ्लेयर तो ठीक लग रहा है देखने में, थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसकी फैब्रिक और फैब्रिक को लेकर थोड़ा सा डाइसी हूँ, चलो मैं पहन के देखती हूँ फिर बताती हूँ कैसा रहता है। इसी ऐसा लग रहा है ये वाला लहंगा, और ये वाला लहंगा ना ऐसे पूरा स्ट्रेट पैटर्न में है, इसमें ज़्यादा फ्लेयर इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जैसे मैंने पिक्चर में देखा था यार वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये उसका रेप्लिका है, ये उतना ज़्यादा तो मुझे प्यारा नहीं लगे कहूँगी मैं, पर मुझे कलर इसका सही लग रहा है, क्रीम कलर व्हाइट कलर ऐसा, व्हाइट कलर या क्रीम कलर पसंद आते हैं तो आपको मे बी ये लहंगा पसंद आ रहा होगा, बट इसमें फ्लेयर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अब आप इस वाले लहंगे में ना आप कैन कैन स्कर्ट वगैरह भी नहीं पहन सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट पैटर्न में बना हुआ है तो उतना ज़्यादा इसमें फ्लेयर नहीं है। बाकी अगर मैं इसके थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी वगैरह की बात करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, इसकी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मुझे सही लग रही है, पर इसमें बिल्कुल भी ना वही चीज़ है कि फ्लेयर ही नहीं है कुछ ऐसा सा, मैं आपको राउंड होके भी दिखा देती हूँ, हर तरीके से आप देख लो, मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये वाला ट्राई कर लेना, अगर नहीं पसंद आता, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा उतना ज़्यादा क्योंकि फ्लेयर की वजह से। पीस की रेंज में लहंगा है हमारे पास जो मुझे मिल गया था, जो 511 रुपीज का लहंगा, बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा था, पिंक कलर का था, और इमेज में आप उसको देखोगे कितना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा था तो नहीं मुझे कि मतलब 511 रुपए में मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी, ऑब्वियसली उसको रेप्लिकेट करके ही कुछ बनाया गया होगा, सो आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस वन। कलर इसका थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है इमेज की कंपेरिटिवली, बट दुपट्टा कहाँ है इसका। ओके, सबसे पहले लहंगा ही दिखा देती हूँ, चलो ये रहा लहंगे के अंदर ब्लाउज का फैब्रिक, ये आई थिंक लाइनिंग के लिए मिला है, और ये रहा ये उसके ऊपर जो टॉप पे लग के आएगा, इसकी भी नेट की क्वालिटी जैसे मैंने आपको दिखाई एक वैसी ही थी, वैसी ही है, मतलब ना थोड़ा सा फैलने वाला नेट है, पर उससे ठीक है, उससे सही है। कलर मुझे प्यारा लग रहा है पूरा, ये न्यूट्रल सा पिंक, ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, ऐसे डिजाइनिंग मिल जाती है, गोल्डन और सिल्वर कलर की पूरी जरी से वर्क किया गया है। और ये इसका लहंगा देख लेते हैं अभी हम, ये रहा इसका लहंगा, बेल्ट आपको मिल जाती है वेस्ट पे, और सेम वही गोल्डन की जरी है और सिल्वर की जरी, और ये ऐसा सा है पूरे लहंगे में आपको ऐसा वर्क मिलता है जैसा इमेज में दिखाया गया था, वैसे घेरा होना चाहिए, नीचे पे भी ऐसी मिल जाती है, बाकी कुछ खास इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, बट 500 का ही था तो मुझे ज़्यादा इससे शिकायत भी नहीं है, ऐसा लुक मुझे इसका सही लग रहा है पहनने के बाद, अगर ये बेढंगा नहीं लगता तो पहनने के बाद में अगर ये सही लगता है तो मुझे कलर वगैरह और इसका थोड़ा सा ये वर्क ना गोल्डन कलर की पूरी और सिल्वर कलर की जो जरी है ना इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। चलो इसका ट्राई ऑन देखते हैं, बट उससे पहले दुपट्टा दिखा दूँ, ये रहा इसका दुपट्टा, और दुपट्टे की लेंथ विड्थ ज़्यादा नहीं है, विड्थ मैं कहूँगी ये देखो इतनी ही है, बट सही है चल जाएगा, मतलब काम चल रही है, बस इसमें लेस मिल जाती है ऐसी गोल्डन कलर की, ऑर्गेन्जा समथिंग इसका ना फैब्रिक जो है ऑर्गेन्जा का ही फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक तो नहीं है। चलो ट्राई ऑन करते हैं इसका। इसी ये वाला लहंगा कुछ ऐसा लग रहा है, अब मैं अगर बात करूँ ना ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि जैसा दिखाया था ये उसके अपोजिट है, इसका थोड़ा सा ये लुक जो है थोड़ा सा डब्बा जैसा लग रहा है, बट somehow मुझे ये अच्छा भी लग रहा है बिकॉज ऑफ द कलर, मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल लाइट सा कलर है, बहुत ही ज़्यादा सा भड़कीला सा भी कलर नहीं है, और प्राइस भी क्योंकि ज़्यादा नहीं था ये इस वाले का, मेरे को यार प्राइस भी याद नहीं है सारे की सारी चीज़ों का, मैंने आपको बता तो दिया, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको इसका लुक सही लगता तो ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा पहनने के बाद में, सो मुझे ठीक लग रहा है, देखो ऐसा सा लुक है एग्जैक्ट जैसा इमेज में है वैसा तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, बट अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग क्योंकि सस्ता है तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वाले लहंगे को आप पिक्चर में देखो, इसकी प्राइस है 802 रुपीज़ जो मुझे रिसीव हुआ है, इसका भी आपको फैब्रिक मिल जाता है चंदेरी सिल्क, और इसका जो दुपट्टा है उसमें टैसल्स लगी हुई थी, तो उसमें दुपट्टे का नाम रखा गया है झुमका दुपट्टा, चलो देखते हैं झुमका दुपट्टा कैसा आया है।
ओके, ये वो वाला है लहंगा, बहुत ही एथनिक सा इसका प्रिंट है। और इस टाइप के लहंगे बहुत चल रहे हैं मीशो में, और इनका फैब्रिक क्योंकि अच्छा रहता है तो ये देखने में चीप से भी नहीं लगते। इस टाइप का लहंगा मैंने एक बार लिया था अपनी मम्मी के लिए, मम्मी ने पहना भी था तो बहुत सुंदर लग रहा था वो वाला। तो अब ये वाला देखते हैं कैसा ही लगता है। 800 रुपीज़ का है तो थोड़ा सा महंगा है, लिटिल बिट। सबसे पहला ये रहा इसका दुपट्टा, फैब्रिक की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, 800 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वर्थ है। और ये देखो ऐसी आपको इसमें लेस मिल जाती है, और इसका प्रिंट भी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही साइज़ का दुपट्टा दिया गया। और ये रहा इसका झुमका दुपट्टा, ये टैसल्स इसकी क्यूट क्यूट सी ग्रीन कलर की और बाकी कलर की, और सही लग रहा है मुझे दुपट्टे के साथ में, कोई कंप्लेंट नहीं है। और ब्लाउज वाओ, नो मुझे लगा स्टिच्ड है, नहीं है स्टिच्ड। ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, जैसा आपको दुपट्टा मिल जाता है सेम वैसा ब्लाउज का फैब्रिक, इनसाइड आपको बस लाइनिंग लगवा के इसमें और स्टिच करवाना रहेगा, तो आप करवा सकते हो। ओके, ये रहा इसका लहंगा पूरा, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, डार्क पर्पल कलर है और नीचे पे ये ग्रीन रेड बहुत सारे कलर्स, मेनली ग्रीन कलर है और पर्पल कलर है, सही लग रहा है मुझे इसका पूरा ये प्रिंट। और इनसाइड आपको एक लाइनिंग मिल जाती है और बकरम मिल जाता है, बाकी इसमें आपको केन केन वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। आई थिंक इसमें फॉल आने वाला है, आप नीचे से, आप पूरा इसको ना नीचे से देख लो ऐसा लग रहा है, ऑल्दो अभी पहनूंगे तो देखोगे, सही लग रहा है। चलो पहन के देखते हैं फिर ही बता पाऊंगी इसका रिव्यू। यार मेरे को बहुत सही लग रहा है ये वाला लहंगा, मतलब ना कहीं से भी इसमें मुझे कोई भी बुराई समझ में नहीं आ रही है। पहले तो इसका आप फ्लेयर देखो पहनने के बाद में, बहुत ही सही फ्लेयर लग रहा है, ऑल्दो ये सेमी स्टिच्ड है इसलिए थोड़ा सा ये साइड से ऐसा कटा हुआ सा दिख रहा होगा, बट इसका फ्लेयर बहुत ही सही लग रहा है पहनने के बाद में, बहुत सही लग रहा है। अभी मैंने इसको क्रॉप टॉप के साथ पहना तो मुझे इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर वगैरह मैच कर गया, दुपट्टे की भी लेंथ विड्थ वगैरह आपको बहुत ही सही मिल जाती है, फैब्रिक की क्वालिटी भी इसकी सही है, तो 800 रुपीज़ के हिसाब से मुझे तो सही लगा। आप इसकी ब्लाउज को बहुत ही सिंपली या किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो। बाकी इस लहंगे में कोई कमी नहीं है, आपको इसका बैक का भी लुक दिखा देती हूँ, ऑल्दो आपको दिख नहीं रहा होगा बालों की वजह से, बट मुझे ये लहंगा लुक और पूजा पूरा नीचे पे जो पूरा ये प्रिंट बने हुए हैं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरा एथनिक सा प्रिंट लग रहा है मुझे, सो आई जस्ट लव दिस वन, मुझे ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया। गाइज अब हमारे नेक्स्ट वाले लहंगे को देखो, इसका भी प्राइस था जस्ट 574 रुपीज़, और इसमें आपको जो फैब्रिक मिल जाता है ऑर्गेन्जा का, डिजिटल पूरा प्रिंट इसमें किया गया था लहंगा का, इसका जो पैटर्न है पूरा टाई डाई पैटर्न था इसके पूरे लहंगे में, और बहुत ही सही रिव्यू थे इस वाले के भी। अभी शादी वाला सीज़न आ रहा है इसीलिए मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो सके मैं आप सबके लिए साथ में लहंगे का वीडियो शेयर करूं, और अभी आप सबको फेवरेट वीडियो आने वाला है ये वाला, तो अभी आप देख लोगे, और इसके जस्ट वन डे आफ्टर वन डे और टू डे बहुत ही प्यारा आप सबका फेवरेट वाला वीडियो आने वाला है। कलेक्शन बहुत सारा इंक्लूड किया है बट सेमी स्टिच्ड है, स्टिच्ड नहीं है, तो आई होप आप लोग प्यार हो गए। उससे पहले आप ये वाला लहंगा देखो, अब मुझे इसमें पता समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इसके जब पिक्चर में देखा तो मुझे समझ में नहीं आती इसको क्रॉप टॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा कुछ क्लैरिफाई था नहीं, बट मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे स्कर्ट सही लगे। ओके, इसमें आपको कोई भी क्रॉप टॉप या दुपट्टा कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट आपको ये स्कर्ट मिलती है 500 रुपीज़ के हिसाब से, फैब्रिक मुझे सही लग रहा है, टाई डाई पैटर्न है, कलर भी बहुत प्यारे से हैं, अगर फ्लेयर वगैरह भी इसमें सही आता है। यार क्रॉप टॉप एटलीस्ट दे देना चाहिए था, एटलीस्ट दुपट्टा ना भी देते ना, क्रॉप टॉप के साथ में लहंगे का सही लगता मुझे। यहाँ पे आपको जिप क्लोजर मिल जाता है, ये बहुत सही चीज़ है, यहाँ पे इसमें पूरा आपको नाड़ा वाड़ा ऑलरेडी डला हुआ है, वरना जो मैंने लास्ट टाइम लहंगे का हॉल किया था उसमें पूरे में ना ये नाड़े ही नहीं डले थे, मैं तो थक गई थी आपको सबको दिखा दिखा के। बाकी के ऑल दो लहंगे में नहीं डला हुआ है, मेरे को बहुत हैक्टिक होने वाला है यार ट्राई ऑन करना, लहंगे का ट्राई ऑन बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोग उस हिसाब से प्लीज़ मुझे प्यार देना। तो ये मुझे इसका कलर वगैरह सही लग रहा है, मैं आपको पहन के स्कर्ट दिखाती हूँ, मुझे क्यूट लग रही है ऐसे तो, बस वही क्रॉप टॉप नहीं दिया, चलो देखते हैं पहन के। गाइस सी ऐसा लग रहा है ये वाली स्कर्ट का लुक, और मुझे सही लग रहा है, मतलब इतना सा ऐसा फ्लेयर भी इसमें आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत, अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्रॉप टॉप के साथ में आपको स्टाइल करना है इसको तो एक अच्छा लुक आपको प्रोवाइड कर देगी ये वाली, और पसंद आई है। इसका फैब्रिक वगैरह भी मुझे सही लग रहा है, और लेंथ मतलब इसका फ्लेयर वगैरह भी सही लग रहा है, स्टिच्ड भी है तो वो चीज़ भी टेंशन नहीं है आपको, अगर आपको पसंद आती है तो ले सकते हो, मेरे साइड से थम्स अप है क्योंकि मुझे ये स्कर्ट सही लग रही है। फ्लेयर अंदर ना थोड़ा एक कमी दे दी इसमें, लाइक 500 रुपीज़ की, थोड़ा सा अंदर कोई एक हैवी सी लाइनिंग दे देते जिसकी वजह से इसका फ्लेयर होता, अब इसका फ्लेयर ना ऐसे पूरा चिपक सा रहा तो वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, बाकी तो सही लग रही है, वो एक चीज़ होती तो और अच्छा लगता, अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हो। बहुत लहंगे हैं अभी रुको कहीं जाना नहीं, तो नेक्स्ट वाला लहंगा है 766 रुपीज़ का, इसमें भी आ जाओ आपको लहंगा मिलता है क्रॉप टॉप के साथ में, ब्लाउज क्रॉप टॉप ब्लाउज ओके, इसमें क्रॉप टॉप ब्लाउज मिल जाती है, और ज्योमेट्रिक प्रिंट था इस वाले पूरे लहंगे का, 766 रुपीज़ का मिल गया ये वाला। ओके okay.
सो सबसे पहले वाह, इसमें आपको वेलवेट फैब्रिक का दुपट्टा आई थिंक ब्लाउज के लिए मिलता है। फैब्रिक जो है इसका वेलवेट का है। ओके, ये वाला आप इमेज में, आपने इसको पिक्चर में देखा, ये कितना ज़्यादा क्लासी सा इसका पैटर्न लग रहा था मुझे। उसके ज्योमेट्रिक प्रिंट थे, ज्योमेट्रिक पूरे जो प्रिंट्स हैं ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एलिगेंट से लग रहे थे। तो वेलवेट फैब्रिक आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत ही सही लग रही है। वेलवेट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्टिच होने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा और आपके काम भी बहुत आएगा। और अच्छा खासा फैब्रिक दिया गया, ठीक है, वेलवेट तो विंटर में भी काम कर जाएगा, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी है ही। कोई भी दुपट्टा नहीं मिलता, एज मैंने आपको बताया कि क्रॉप टॉप ब्लाउज और मतलब भाई क्रॉप टॉप और लहंगे का सेट था। और इसका भी आपको सेमी स्टिच्ड मिलता है। वाओ, इसका फ्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा है और इसके प्रिंट्स भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। जैसे मैंने इमेज में देखा था, मुझे लग तो वैसा ही रहा है। अभी भी नीचे आपको बहुत ही ठीक से ऐसे बकरम मिल जाता है और इनसाइड एक लाइनिंग मिल जाती है। प्रिंट बहुत सही लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन सही लग रहा है। पहनने के बाद आई एम श्योर ये बहुत सुंदर लगने वाला है और पसंद आ रहा है मुझे। मतलब ये कलर और ये ब्लैक कलर का स्टिच होने के बाद, फुल स्लीव अगर स्टिच करवाओगे चूड़ी वाली स्लीव में, क्या मस्त लगेगा। इसके साथ में ये बेल्ट मिल जाती है, ये आपको नाड़ा इसमें दिया गया है, एक्स्ट्रा अटैच्ड है यहाँ पे टैसल्स के साथ में। सुंदर लग रहा है यार मुझे। चलो जल्दी ट्राई करते हैं कैसा लगता है ये। जस्ट लव दिस वन, जस्ट लुक एट द फ्लेयर एंड लुक एट द पैटर्न। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है, ये फ्लेयर इतना प्यारा लग रहा है, मुझे सब कुछ इस वाले लहंगे का बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। आप सबको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और अभी अगर इसको आप स्कर्ट के साथ में पहनोगे तो कितना बड़ा घेर आएगा। मुझे तो ये अपने लिए बहुत पसंद आ गया है इस वाले लहंगे के हॉल का। दो मेरा वो जो फेवरेट मैंने आपको दिखाया वो है और उसके बाद ये है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाईली रिकमेंडेड है, कोई भी कमी नहीं है यार इस प्राइस रेंज में। आई जस्ट लव दिस पीस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एकदम क्लासी साइज का पूरा प्रिंट लग रहा है, बहुत ही हैवी फ्लेयर है। कैन स्कर्ट के साथ पहनोगे बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। लव दिस वन। और लास्ट लहंगा है हमारा आज के हॉल का, ये वाला, जिसकी प्राइस है जस्ट 305 रुपीज़। और ये लगता है सारे लहंगों में सबसे सस्ता वाला लहंगा है ये वाला। कलर इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं और मैंने इसको लिया जस्ट 278 रुपीज़ में, क्योंकि अभी चल रहा है 9% का ऑफ। अगर ये अच्छा रहेगा आप ले लेना। हल्दी येलो रेड कलर का कॉम्बिनेशन था और इमेज में आप इसको देख लो, ये भी हल्दी के लिए बहुत अच्छे से काम आने वाला है। या तो ब्राइटना है तो इस तरीके की ऑप्शन आप देख सकते हो 300, 400, 500 रुपये में। इतनी तो आप रेंट करने जाओगे तो इससे ज़्यादा ही दे दोगे। दुपट्टा आपको मिलता है ये रेड कलर का, बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है इसके दुपट्टे से। हाँ, ये आपको फुतुल्ली सा दुपट्टा मिलता है, बहुत ही छोटू सा। कोई ये बीच बीच में ऐसे ऐसे ना ये पर्ल्स लगी हुई है और ये लेस मिली है। और उसके अलावा इसके लिए अगर बोलूँ ना 300 रुपये में, मैं 300 रुपये के हिसाब से इसको जज करूँ अगर, मुझे सही लग रहा है प्राय। अगर मैं अपने हिसाब से अगर इसको जज करूँ, मुझे इसका फैब्रिक वगैरह पसंद नहीं आ रहा, पर 300 रुपये के हिसाब से यार सही लग रहा है। ये ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है, इधर उसको साइड करते हैं। और ये रहा लहंगा, ये भी आपको सेमी स्टिच्ड मिलता है और घेरा वेरा इसमें नहीं होने वाला, मुझे पहले ही पता है। बस नीचे पे आपको ये रेड कलर का लेस मिला, पर ये दिखाते बहुत सुंदर सा है, तब मुझे पहले ही पता था कि 300 रुपये में इतना सुंदर सा तो नहीं मिल जाएगा। तो दिखाते क्यों, मतलब ओरिजिनल इमेज रखनी चाहिए। ये आपको बूटियाँ मिल जाती है पूरे में और नेट की क्वालिटी चीप है, ठीक ठाक है 300 रुपये के हिसाब से। चलो ट्राई करते हैं। मुझे ये लहंगे में खुद को देख के बड़ी हंसी सी आ रही है, मतलब ये क्या है, लहंगे के नाम पे थोड़ा सा मुझे डब्बा डब्बा जैसा लग रहा है। लेकिन यार हम इतनी भी बेइज्जती नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही कम प्राइस का था, मैंने आपको प्राइस ऑलरेडी बताया ही। और दुपट्टा बहुत ही छोटू सा है इस वाले में, चलो उस वाली चीज़ से भी कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत कम था। बाकी देखो लहंगा ऐसा लग रहा है पहनने के बाद में, ट्राई करना चाहते हो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग, ज़्यादा बजट नहीं है, ट्राई कर सकते हो। या फिर किसी मतलब वही, या फिर अगर फिर आपके बच्चों के अगर जिद कर रहे हैं कि लहंगा पहने तो आप ये अच्छा सा उन्हें लॉलीपॉप दे सकते हो, मतलब ये वाला लहंगा आप मीशो से ट्राई कर सकते हो। कहना चाहते हो तो कर सकते हो ट्राई। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप कि आप सबको ये लहंगे पसंद आए होंगे। फर्स्ट मैंने जो दो लहंगे दिखाए वो तो मेरे डैम फेवरेट है, उसके बाद ये ज्योमेट्रिक प्रिंट वाला मेरा फेवरेट है और बाकी भी मैंने आपको पहना तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कौन सा वाला कैसा है। सो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा आज का वीडियो और ढेर सारा प्यार देना अपना। और अगर और भी चाहिए होंगे लहंगे की वीडियोज तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं ऐसे और भी ढूंढ ढूंढ के आप सबके लिए लेके आऊंगी। वैसे अभी इसका पार्ट आने वाला है, सेकंड वाला भी, तो आप उसमें देख लोगे। चलो मिलते हैं आप सबसे एक बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।